मैं सलमान सोज हूँ। मैं एआईसीसी मेंबर, ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी और मैं नेशनल स्पोक्स पर्सन हूँ। मुझे बहुत खुशी है कि आज आप हमसे जुड़े हैं और हमारे साथ मेरे मेरे बहुत ही हम सफर मेरे दोस्त पवन खेरा जी हैं। ये कांग्रेस पार्टी के जो हमारा जो मीडिया डिपार्टमेंट है उसके चेयरमैन है और हमारे एक हिसाब से चीफ स्पोक्स पर्सन भी बनते हैं। फिर और फिर ये भी एआईसीसी मेंबर हैं। पवन जी, कल हमारे साथ तारिक हमीद कर्रा साहब के साथ हमारे प्रदेश कांग्रेस कमेटी के हेडक्वार्टर पे थे और उन्होंने कल जम्मू कश्मीर के लिए इस असेंबली इंतखाबात के लिए हमारी पार्टी का जो मंशूर है, जो मैनिफेस्टो, उसको कल उन्होंने इशू किया। तो हमने सोचा कि हम आज आपके सामने यहाँ बारामूला जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है यहाँ पे अपने कुछ कैंडिडेट्स के साथ जो हमारे साथ बैठे भी हैं, यहाँ मीर इकबाल साहब बारामूला से बैठे हैं, यहाँ हाजी रशीद साहब सोपोर से बैठे हैं और यहाँ अर्शद गनाई साहब जो हैं वो लंगेट से बैठे हैं और दो हमारे नॉर्थ कश्मीर के कैंडिडेट, सबको इंट्रोड्यूस भी कराएंगे और मंशूर के बारे में आपको कुछ बताएंगे, पवन जी से कुछ सुनेंगे और फिर आपके सवाल जो भी होंगे हमारे लिए हम उनका जवाब भी दे देंगे। तो मैं पवन जी को पहले इन्वाइट करता हूँ, फिर आपके पास आएंगे। फिर से मैं आप लोगों से माफी मांगता हूँ कि हमें थोड़ा डिले हुआ है आने में, लेकिन क्योंकि थोड़ा ट्रैफिक ज्यादा हो गया। पवन जी, शुक्रिया सलमान भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपको, आपसे माफी भी, लेट हुए। हमारे साथी हाजी रशीद जी, मीर इकबाल जी, अरशद गनाई जी और मेरे साथ आदिल जी आए हैं। कल हमने कश्मीर, जम्मू कश्मीर के लिए मैनिफेस्टो लॉन्च किया। मैनिफेस्टो सिर्फ एक दस्तावेज नहीं है, सिर्फ एक कागज का पुलिंदा नहीं है, ये कश्मीर की आवाम की उम्मीदें, उनके ख्वाब, जो पिछले 10 साल किसी ने उस तरफ ध्यान नहीं दिया, ख्याल नहीं रखा, ये उन उम्मीदों का दस्तावेज है, उन ख्वाबों का दस्तावेज है। और राहुल गांधी जी से आप वाकिफ हैं, भारत जोड़ो यात्रा के दौरान, उससे पहले और उसके बाद भी आप जानते हैं कि राहुल गांधी की जुबान से निकला हुआ हर शब्द पत्थर की लकीर है। अगर वो कहते हैं कि ये होना है तो ये होगा, वो पाबंद हैं अपनी जुबान। पिछले 10 साल जो कश्मीर, जम्मू कश्मीर के साथ हुआ, जम्मू कश्मीर की जो पहचान है, जो आइडेंटिटी है, उस पर चोट मारी गई। पवन खेड़ा को कह देंगे लेके मुझे डराएंगे, मेरा नाम लेके इन्हें डराएंगे, वो तो अभी भी कर रहे। लेकिन समाज में एकता हो, संवाद हो, आपस में बातचीत बनती रहे, भाईचारा बना रहे, ये सबसे बड़े दुश्मन समाज के भाईचारे के हैं। इसलिए पिछले 10 साल जम्मू कश्मीर को इतना पीछे कर दिया कि यहां का नौजवान आज नौकरी के लिए मोहताज है। पूरे देश में बेरोजगारी पे जम्मू कश्मीर को नंबर 2 पे ले आए। और कल सलमान साहब हमसे ज्यादा पढ़े लिखे हैं, बहुत पढ़ते लिखते हैं, इसलिए इनकी बात हम बहुत ध्यान से सुनते हैं। कल ये बता रहे थे कि महिलाओं की बेरोजगारी, क्योंकि हम गर्ल्स डिग्री कॉलेज में बैठे हैं तो वो जरूरी है बताना, महिलाओं की बेरोजगारी में पूरे हिंदुस्तान में जम्मू कश्मीर पहले दर्जे पर आ गया। इससे ज्यादा दुख और किस बात का होगा, पूरे सूबे में, हर हलके में, जहां जाओ वहां सुनाई देता है कि पहले कभी ऐसा ड्रग्स की समस्या नहीं होती थी, अब ड्रग्स के झांसे में हमारा नौजवान आ गया। रोजगार है नहीं, ड्रग्स के नशे में धकेला जा रहा है नौजवान, और पूरे देश में जम्मू कश्मीर को बदनाम करने की एक साजिश थी जो पिछले 10 साल से रची गई, लगातार जम्मू कश्मीर को बदनाम किया गया। पूरे देश में कहीं ऐसा नहीं हुआ कि किसी राज्य को बोला आपकी हम डिमोशन कर रहे हैं, आज से आप राज्य नहीं है, आपका स्टेटहुड छीन लिया, आज से आप यूनियन टेरिटरी, ये कभी नहीं हुआ। ये सब बदलना जरूरी है, एक बहुत लंबी काली अंधेरी रात का खत्म होना जरूरी है, एक नई सुबह का आना जरूरी है, और वो इंडिया गठबंधन ही ला सकता है।
खड़गे साहब आए थे कुछ दिनों पहले, राहुल जी आए थे, अब फिर आएंगे। सलमान जी आपको आने वाले दिनों में बताएंगे राहुल जी के प्रोग्राम, प्रियंका जी के प्रोग्राम, खड़गे साहब के प्रोग्राम। और वो सिर्फ इसलिए आना चाहते हैं कि कश्मीर, जम्मू कश्मीर के दिल पे जो जख्म दिए गए हैं पिछले 10 साल में, उन पर मलहम लगाया जा सके। ये हमारा मैनिफेस्टो जो आपने कल देखा, इस मैनिफेस्टो, ये हमारे लिए कुरान, गीता, बाइबल, जो आप चाहें वो कह दें, ये हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट है, इतना महत्वपूर्ण है। क्योंकि जैसा मैंने कहा कि जो उम्मीदों की कब्रगाह बनी पिछले 10 साल में, नौजवानों की उम्मीदों की कब्रगाह कश्मीर को बनाया, उसको बदलना इंपॉर्टेंट है। 4,000 रुपए सालाना इनकम सपोर्ट जो बिना जमीन के किसान हैं उनको, जो किसी और की जमीन पे काम करते हैं उनको दिया जाएगा, और जो एप्पल ग्रोअर हैं, सेब उगाने वाले, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। अभी मैं रास्ते में आदिल साहब से पूछ रहा था कि MSP तो अब है ही नहीं, हमने ये वादा किया है, ये गारंटी देते हैं कि 72 रुपए पर किलो का मिनिमम प्राइस एप्पल ग्रोअर को, सेब के किसान को दिया जाएगा, ये उनका हक है कि उनको मिलेगा। और 100% क्रॉप इंश्योरेंस, फसल बीमा, कोई भी फसल हो उस पे दिया जाएगा, ये भी उनका हक है। OBC के विषय में हमने इस पर बहुत बात की है, उनका हक उनसे छीना जा रहा है, और संविधान में उनके हक के लिए अलग प्रावधान है, प्रोविजन है, उस प्रोविजन के फ्रेमवर्क में OBCs की लड़ाई हम लड़ेंगे, उनके हक को हम बचाएंगे, उनका हक उन्हें हम देंगे। कश्मीर में पोटेंशियल बहुत है, रोजगार का पोटेंशियल, पर्यटन टूरिज्म में बहुत है, लेकिन उस पर्यटन के, उसको इस्तेमाल ठीक ढंग से नहीं किया गया, उसका भी हम ध्यान रखेंगे। माइनॉरिटी कमीशन सरकार बनाने के 100 दिन में बना दी जाएगी, वो भी आप लोगों को उससे दूर रखा गया। और कश्मीरी पंडितों के लिए जो डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने एक कार्यक्रम शुरू किया था, उनके वापस से, उनको पुनर्स्थापन के लिए, उस कार्यक्रम को फिर से, उस योजना को फिर से लागू किया जाएगा, अच्छी तरह से उसको लागू किया जाएगा। कांग्रेस पार्टी, इंडिया गठबंधन, इंडिया अलायंस संविधान से बंधी हुई है, और संविधान हर वर्ग के लिए, संविधान में हर वर्ग के हक की बात की गई है। एक दूसरे से विवाद पैदा करके नहीं देश चल सकता, कोई सूबा नहीं चल सकता, कोई परिवार नहीं चल सकता। परिवार भी चलता है तो आपस में बात करके, गुफ्तगू करके चलता है। ये पिछले 10 साल में इस तरह से बना दिया गया कि साहब पता नहीं क्या हवा बना दिया गया, ये सब खत्म होना चाहिए। कश्मीर के नौजवान के लिए कांग्रेस पार्टी का दिल धड़कता है, हम कश्मीर के नौजवान के लिए, जम्मू कश्मीर के नौजवान के हक के लिए लड़ेंगे, लड़ते रहेंगे, और उनको उनका हक दिलवाएंगे। सलमान साहब, मैं आपसे आग्रह करूंगा, गुजारिश करूंगा कि आप भी इस पे कुछ कहें, उसके बाद सवाल जवाब। शुक्रिया पवन जी। तो आपने तो बहुत अच्छी तरह डिटेल में एक हिसाब से हमारे मैनिफेस्टो को समराइज किया, लेकिन मैनिफेस्टो में बहुत सारी अच्छी चीजें हैं। मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा, और हम आपको सर्कुलेट भी करेंगे आपके व्हाट्सएप पे, आप उसको देखिए, और ताकि लोगों तक ये बात पहुंचे कि कांग्रेस पार्टी का क्या विजन है जम्मू कश्मीर के लिए। और इस कांग्रेस पार्टी इस वक्त जो इलेक्शन लड़ रही है, ये एक जद्दोजहद का इलेक्शन, 10 साल के बाद ये गवर्नमेंट चेंज होगी। 10 साल तक बीजेपी ने एक हिसाब से इस जगह राज किया है, पिछले 6 साल से तो वो बिल्कुल अलग, अकेले ही राज कर रहे हैं। लेकिन मैं सिर्फ 2 बातें बताऊंगा आपको। इनका काम है कि ये राहुल जी के हाथ मजबूत करें, ताकि राहुल जी जो जंग लड़ रहे हैं हिंदुस्तान में RSS के साथ, बीजेपी के साथ, उन लोगों के साथ जिन्होंने नफरत की नफरत फैलाई है, जो राहुल जी कहते हैं कि मोहब्बत की दुकान, मुझे पूरा पता है कि बारामूला के लोग, सोपोर के लोग, लंगेट के लोग, वागुरा के लोग, बानीपुरा और बाकी नॉर्थ कश्मीर, कश्मीर के लोग, जम्मू कश्मीर के लोग, उनको समझ आती है ये बात कि राहुल जी ये जंग किस तरह से, चट्टान की तरह वो खड़े हुए। आप सब समझते हैं, मुझे पता है, आप लोगों को पता है कि उन्होंने कितनी मेहनत की,
और किस तरह से इनको बैकफुट पे लाया, ऐसे बैकफुट पे लाया कि प्राइम मिनिस्टर अपनी सीट वाराणसी में 5 लाख के बजाय उनका मार्जिन तकरीबन 1.5 लाख के पे पहुंच गया, वो हारने वाले थे, बड़ी मुश्किल से, बड़ी मुश्किल से जीते। तो ये जो कैंडिडेट है, और हमारे इरफान साहब बागूरा में, निजामुद्दीन भट्ट साहब बांडीपुरा में, ये 5 कैंडिडेट जो है नॉर्थ कश्मीर में हमारे हैं, ये राहुल जी के हाथ मजबूत करने के लिए हैं, ये उनके माननीय वर्कर हैं। साथ ही में यहाँ अलायंस है नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ, हमारा नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस इंडिया अलायंस के जो कैंडिडेट हैं, हम हमारी अपील है लोगों से कि वो इन कैंडिडेट्स को सपोर्ट करें। फाइनली ये है कि सियासत जो मैं हम देखते हैं बीजेपी की, उनकी सियासत ये है कि उन्होंने तो परसों होम मिनिस्टर ने कहा कि इस बार जम्मू जम्मू असेंबली का जो फैसला है, इस बार डिसाइड करेंगे जम्मू के लोग, उन्होंने कहा, आपने सुना होगा, यानी कि वो अभी भी डिविजन में लगे हैं, अभी भी भाई भाई को अलग करना चाहते हैं। और उनकी ये भी चाल है, और बहुत देर से चाल है, और चाल ऐसी जो बार बार फेल हो रही है कि किसी प्रॉक्सी को खड़े कर दो, वो वहां से यहां उनको बोलते हैं कि आप नरेंद्र मोदी को बीजेपी को गालियां दो, फिर वो जम्मू में जाते हैं, वो कहते हैं देखो ये कश्मीरी लोग लोग क्या कर रहे हैं। आप समझे ना, इनकी सियासत यही है, इट्स वेरी क्लियर, इनकी सियासत ये है कि यहाँ पे कुछ लोगों को खड़ा करो, वो मोदी बीजेपी के खिलाफ बोलेंगे, अंदरूनी मिलते रहते हैं, हमें पता है वो मिलते रहते हैं, और फिर पोलराइज करने की कोशिश, और देखो उसने क्या बोल दिया कश्मीर में, ये वापस आएंगे यही लोग, जम्मू के लोग बोलते हैं। लेकिन इस बार जम्मू और कश्मीर के लोग एक, इस बार जो रिजेंटमेंट बीजेपी के खिलाफ है और उनके प्रॉक्सीज के खिलाफ है, इस बार उनको जवाब मिल जाएगा। यहाँ पे इंडिया अलायंस की सरकार होगी, और वो सरकार लोगों की सरकार होगी, क्योंकि यहाँ के लोगों ने बहुत जख्म उठाए, अब वो टाइम खत्म आने होने वाला है, हम इलेक्शन का वेट कर रहे हैं, कल इलेक्शन का पहला फेज है, और इंशाल्लाह जीत हमारी होगी क्योंकि हम सच के साथ। शुक्रिया। सो साहब, इंजीनियर रशीद भी मैदान में है, तो जमात इस्लामी ने उनको सपोर्ट किया, तो किस नजर से देख रहे हो आप? मैं भी जवाब दूंगा, पवन जी भी देंगे, मैं लेकिन सिर्फ ये कहूं कि मुझे ये पता नहीं कि जमात इस्लामी एज एन ऑर्गेनाइजेशन भी है कि नहीं है, बैंड है नहीं है, और जिसको इलेक्शन लड़ना है वो लड़े, उनका हक है वो लड़े। लेकिन मैं अपने भाई बहनों को ये कहना चाहता हूं कि आप नजर रखें कि राहुल गांधी ने जो जंग लड़ी है, क्या वो उसके साथ है कि नहीं, क्योंकि राहुल गांधी जी ने जो आरएसएस और बीजेपी के खिलाफ लड़ाई लड़ी है, वो कोई भी नहीं कह सकता कि ऐसी लड़ाई किसी ने लड़ी है, नोबडी कोई दावा करे कि उनसे ज्यादा किसी ने लड़ा है। तो जिस साइड राहुल गांधी जी खड़े हैं, उसी साइड मुझे लगता है मेरे कश्मीरी भाई बहन खड़े होने चाहिए। अमित शाह ने कल किश्तवाड़ में बोला है कि अगर यहाँ पे कांग्रेस जो है, ये मिलिटेंट्स का बैकबोन है। हाँ, उसके पिछले 5 साल में अगर अमित शाह के मंत्रालय का आंकड़ा आपको मैं रखता हूं, 2075 से ऊपर आतंकी हमले हुए, वारदातें हुई जिसमें आम आदमी, सुरक्षा बल, कई लोगों ने जान गंवाई, उसमें से 40% जम्मू रीजन में हो गए जहां कभी नहीं होता था। ये अमित शाह का अपना रिपोर्ट कार्ड है, यहां आने से पहले वो अपना रिपोर्ट कार्ड खुद पढ़ के आ जाते तो शायद ये ना बोलते। और मेरे भाई सलमान सोस जी ने बड़ी अच्छी बात कही, अगर पूरे देश में बीजेपी, इंपॉर्टेंट शब्द है, बहुत अच्छा लफ्ज है, और एक ऐसा लफ्ज है जो हमारे संविधान, हमारी कॉन्स्टिट्यूशन की नींव में ये शब्द है, ये लफ्ज है हक। नौजवान, जम्मू कश्मीर के नौजवान का हक, यहाँ की नौकरियों पर पहला हक उनका होना चाहिए, यहाँ के रिसोर्सिस पर पहला हक उनका होना चाहिए, यहाँ की बिजली, चिराग तले अंधेरा अगर किसी को देखना है तो यहां आकर देखे, बिजली बनेगी यहां लेकिन यहां अंधेरा रहेगा, ये हक फिर से दिलवाना जरूरी है जम्मू कश्मीर के लोगों, यहां के आवाम, यहां के रेत पे दूसरी बाहर की कंपनियां आकर यहां की रेत की माइनिंग कर रही हैं, तो यहां का आदमी क्या करेगा, यहां का नौजवान क्या करेगा, यहां का व्यापारी क्या करेगा। इसलिए हमने सबसे पहली बात रखी कि हमारी रियासत, हमारा हक, जो स्टेटहुड छीनी है वो फिर से देनी जरूरी है, वो हम दे के रहेंगे। और नौकरी के बारे में इसलिए हम बार बार कहते हैं कि भारत जोड़ो यात्रा के दौरान भी यहां के नौजवान जब राहुल गांधी जी से मिलते थे
तो सबसे पहली बात बेरोजगारी की करते थे कि साहब नौकरी नहीं, डिग्री है लेकिन नौकरी नहीं। तो इसलिए हमारी नौकरी हमारा हक, और यहां के नौजवान का पहला हक होना चाहिए यहां की नौकरी। और जो बेरोजगारी भत्ता है, जो अलाउंस है, वो हमने घोषणा की है कि 3,500 रुपये पर मंथ हम यहाँ के बेरोजगार बेरोजगार नौजवानों को देंगे जब तक उनको नौकरी नहीं मिल जाती। हमारी बिजली हमारा हक, ये मैंने आपको पहले भी कहा कि 100 यूनिट हर महीने बीपीएल कैटेगरी को मुफ्त बिजली मिलनी मिलेगी जब इंडिया की सरकार, इंडिया गठबंधन की सरकार यहां बनेगी। हमारी जमीन हमारा हक छीन लिया आपसे, बाहर के लोग आकर, लेकिन यहां के लोगों की जमीन का पहला हक यहीं के लोगों को होना चाहिए। और 99 साल की लीज का पट्टा, जो बिना जमीन के किसान हैं, भूमिहीन किसान हैं, जो टेनेंट फार्मिंग करते हैं, उनको दिया जाए। हर जिले में 2500 करोड़ का एक फंड इरिगेशन स्कीम्स के लिए होगा। बहुत जरूरी है यहां इरिगेशन, कमी है इरिगेशन। महिला सम्मान हमारा हक, जो महिलाएं हैं 3,000 रुपये मंथली उनको असिस्टेंस मिलेगा, जो महिलाओं, जो फीमेल हेड ऑफ फैमिली है, यहां की भाषा में जुबान में हमारे सलमान साहब अच्छी तरह समझा पाएंगे इस बात को। अच्छी सेहत हमारा हक, कोविड के दौरान हमने देखा हर परिवार में, हर मोहल्ले में, हर गली में, हर गांव में कोई ना कोई मातम मनाते हुए सुनाई दिया है, दिखाई दिया। हम सब के परिवारों में भी कोई गवाया, हम उस वक्त समझ में आया कि अच्छी सेहत की सुविधाएं कितनी जरूरी है, वो सहूलियत कितनी जरूरी है और कितनी कमी है उस सहूलियत। तो 25 लाख रुपए का हेल्थ इंश्योरेंस और आधे घंटे में वो सहूलियत मिल सके किसी मरीज को, ये हमारा वादा है कि ये हक आपको मिलेगा।